जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे पान के पत्ते की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पान का पत्ता भी खोल सकता है आपके बंद किस्मत के ताले को? जरूर खोल सकता है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही उपाय लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ पान के पत्ते की। पान सुपारी ध्वजा नारियल, ले तेरी भेंट चढ़ाऊ मैया रानी। सब प्रथम हम जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सब प्रथम पान का नाम लिया जाता है, पान का जिक्र होता है। पान सुपारी लौंग इलायची, ये सारी ही चीजें माता लक्ष्मी को, माता रानी को प्रिय है। ये हम सभी चीजें भगवान श्री गणेश जी को, श्री हनुमान जी महाराज को, शंकर भगवान को, सभी को अर्पित करते हैं। अगर हमारे किस्मत के ताले बिल्कुल बंद पड़े हैं, यानी कि ये कहूँ कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है, यानी ये कहूँ कि हमारा भाग्य उदय हो ही नहीं रहा है, या ये कहूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारे भाग्य में तो कुछ है ही नहीं, यानी कि पता नहीं हमारे भाग्य तो कभी खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। जरूर खुलेंगे, थोड़े से विश्वास के साथ अगर हम इस कार्य को करते हैं। पान का महत्व मैंने आपको बताया कि पान का बहुत महत्व है। आप हमेशा बताना भी बात नहीं है, आप जानते भी हैं, क्योंकि आप जब नवरात्रि आए तो भी, या जो चोला चढ़ाने जाते हैं मेरे भाई, वो लोग भी जानते होंगे, या भगवान शिव की आराधना करते हैं वो भी जानते होंगे कि हम अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि हमारे मन में कोई इच्छा भी नहीं है, कोई मनोकामना भी नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हे मेरे प्रभु, सदा मेरे से प्रसन्न रहें, सदा अपनी कृपा बनाए रखें, तब भी हम इन कार्यों को करते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका भाग्य उदय ही नहीं हो रहा, किस्मत बंद पड़ी है, किस्मत का ताला खुल भी नहीं रहा, तो तब आप इस कार्य को तो अवश्य ही कर लें। बाकी जिनको सदैव के लिए कृपा चाहिए वो भी कर सकते हैं। करना क्या है, आप एक नियम बनाएंगे। सबसे पहले तो आप एक नियम, आपके जीवन के अंदर नियम का होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर कहता है कि ये सुबह दवाई 8 बजे खाइए, तो 12 घंटे बाद रात को 8 बजे ही खानी है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक दवाई स्किप कर देते हैं, तो फिर आपको शुरू से दवाई खानी पड़ती है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। सेम वही कंडीशन है यदि आपने जो भी नियम धारण किया है, जिस भी पूजा का नियम धारण किया है, जो भी समय निश्चित किया है, उसी पर ही आपको करना चाहिए, तभी उसका उत्तम फल मिलता है। अब करना क्या है कि शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, भगवान जी हनुमान जी महाराज को शनिवार और मंगलवार दोनों में से, दोनों में दिन में किसी दिन चोला चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है। समय सुबह या शाम कोई भी हो सकता है। अगर इस कार्य को स्त्रियां, मेरी बहनें करना चाह रही हैं, तो वो भी कर सकते हैं। पूर्ण विधि बताऊंगी, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने एक पान का साबुत पत्ता लिया, जिसमें कि ऊपर डंडी है। सपोज मैं बताऊं तो ये एक पान का पत्ता है, ठीक है, ये एक पान का पत्ता है, ये डंडी है और ये पान का पत्ता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये डंडी वाला हिस्सा ऐसे ऊपर करके आपको रखना है। यहां पर आपको लिखना है, बड़ का सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, श्री राम, ठीक है। ये पान का पत्ता है, इसकी डंडी ऊपर है, यहां पर लिखना है श्री, यहां पर लिखना है राम, ठीक है। वो पान का पत्ता सीधा का सीधा ले जाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के, अगर आप लगा सके तो हृदय पर लगाना है, अगर आप लगा सके। सीधा का सीधा पत्ता ऐसे, जैसे मैंने बताया है कि जैसे आप ये पान का पत्ता है, ये पान का पत्ता है, ये डंडी है, तो ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल सीधा का सीधा यहाँ पर लगाना है, बाहर की तरफ श्री राम आना चाहिए। अब वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि पान का पत्ता तो आसानी से रुकने वाला नहीं है। तो जहाँ श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्होंने वस्त्र पहने हुए हो, तो वहां उन वस्त्र में यहाँ पर आप उसको अटका सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कुछ भी व्यवस्था देखिएगा, ये आप उनके अगर हृदय पर लगा दें, अगर श्री हनुमान जी महाराज के हृदय पर आपने पान के पत्ते पर श्री राम लिखकर लगा दिया, तो कोई ताकत नहीं कि आपकी किस्मत ना चमक जाए, कोई ताकत नहीं कि आपका भाग्य उदय ना हो जाए। इसी के साथ साथ एक मीठे पान का बीड़ा श्री हनुमान जी महाराज के लिए लेकर तो जाकर देखिए। मंगल और शनिवार, महिलाएं कहेंगी कि हम कैसे करें, स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप एक मीठे पान का बीड़ा लेकर जाइए, बाजार से लीजिए, बस उसमें कत्था मत लगवाइएगा, कत्था नहीं लगवाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप कत्था भी मत लगवाइए, कोशिश करिए कि चूना भी मत लगवाइए, ठीक है। गुलकंद का मीठा पान बनवाइए, आप बोलिए इसमें कत्था चूना मत ही लगाओ भैया,
ठीक है, आप लेके जाइए। और श्री हनुमान जी महाराज के यहाँ पर आप अगर नहीं लगा पा रही हैं जैसे वस्त्र में, तो आप पंडित जी से कह सकते हैं, पंडित जी जरा ये लगा दीजिए। पंडित जी लगा देते हैं। फिर मीठे पान का बीड़ा अपने हाथ में लेके भोग स्वरूप खड़े हो जाइए। मनी मन हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हे परम पुत्र हनुमान, सबकी सबकी किस्मत संवारते हो, सबके कष्ट हरते हो, मेरे भी तो हरो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोहे गरीब को, जो तुम पे नहीं जाते है टारो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा संकट हो जो श्री हनुमान जी महाराज न टाल सकते हो, ना हटा सकते हो, सब कर सकते हैं। तो ऐसे हाथ में बिल्कुल पान का बीड़ा लेकर और भगवान जी से प्रार्थना करिए, चाहे ओम हनु हनुमंते नमः मंत्र का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, और या जो मैंने अभी बोला है ये हनुमान अष्टक पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, जो भी आप चाहते हैं वो पढ़िए, पढ़िए खूब। मतलब आपके भाव बाहर निकलने चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। और उसके बाद ये मंगल शनिवार कुछ दिन तक अनगिनत, मतलब ऐसा नहीं कि मैं गिन के करूंगी, सूतक में पातक में पीरियड में तो नहीं करते हैं, तो वो आगे काउंट हो जाता है। आप एक नियम के अनुसार करके तो देखिए कि मुझे 11 मंगलवार जरूर करना है, या मुझे 11 शनिवार ये जरूर करना है, या 11 मंगल 11 शनिवार दोनों में ये करना है। आप करके देखिए, निश्चित परिणाम सामने आएंगे और शुभ परिणाम सामने आएंगे, शुभ परिणाम। बस ये प्रयत्न कीजिए कि भगवान जी के यहाँ हृदय पे लग जाए श्री राम आपके हाथों से, कोशिश करिए। नहीं तो पुजारी जी खड़े होंगे, पुजारी जी कर देंगे, और मेरे भाई लोग जो है बच्चे लोग, वो तो बहुत आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आप इस कार्य को करेंगे ना, तो आपके हृदय में इतनी प्रसन्नता होगी, इतनी प्रसन्नता होगी, आपको लगेगा मेरा आधा काम तो आसान हो गया। सोते आपको अपने आपको इतना हल्कापन महसूस होगा कि बस मेरी तो गई परेशानियां, मेरी तो गई परेशानियां, खुल गया ताला मिल गई चाबी, खुल गया ताला मिल गई चाबी। आपके मन में यही भाव आएगा कि खुल गया ताला मिल गई चाबी, क्योंकि सबकी किस्मत के बंद तालों की चाबी श्री हनुमान जी महाराज के पास है। खुलवा लीजिए मंगल और शनि को ये उपाय करके, खुलवा लीजिए। इसके साथ साथ अगर एक और बता देती हूँ, अक्सर कमेंट में ये वाली बातें आती है कि रिश्तों में मिठास नहीं है, रिश्तों में मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता, और बहुत कड़वाहट है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे परिवार में कोई भी रिलेशन हो। तो आप एक काम करिए, शुक्रवार के दिन एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर 7 गुलाब के फूल की पंखुड़ी रखिए, अच्छे से गंगा जल से धोकर 7 गुलाब के फूल की पंखुड़ी रखिए और माता लक्ष्मी के समक्ष अर्पित कर दीजिए शुक्रवार के दिन। और बता दीजिए किससे आपको रिश्ता मीठा चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप उसके ऊपर, गुलाब का फूल नहीं है तो गुलकंद तो बाजार में मिलता है, एक शीशी छोटी लाकर रख लीजिए। हर शुक्रवार को एक पान का पत्ता लाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा गुलकंद रखिए, माता लक्ष्मी के समक्ष सामने रख के प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी मुझ पर दया करो, रिश्तों में मिठास हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर उसको थोड़ा 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 सबको भोग स्वरूप दे दीजिएगा खाने के लिए, हो जाएगा काम। करके देखिए, विश्वास के साथ करिए, प्रेम के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, निश्चित होगा काम। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया रिश्ते में मधुरता लाने के लिए भी, और अपनी बंद किस्मत के ताले को खोलने का भी, ये उपाय निश्चित फल देगा। करके देखिए, शुभ परिणाम निश्चित आपके सामने आएंगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा अजमाया हुआ कार्य है और मेरे मन का विश्वास है। ये आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। निश्चित निश्चित फल मिलेगा, विश्वास के साथ करिए। एक ही समय रखिए, सुबह करें या शाम करें, एक ही समय रखिएगा। 11 मंगलवार या 11 शनिवार करना है तो मैं प्रातः 8 बजे इस कार्य को करूंगा या करूंगी, या मैं शाम को रात को 8 बजे इस कार्य को करूंगा या करूंगी, किसी भी समय कर सकते हैं। पान जो यहाँ पर चिपकाया है, यहाँ पर लगाया है श्री राम लिख के, वो तो वहीं रहेगा। पान का जो बीड़ा आपने भगवान को अर्पित किया है, प्रसाद जो चढ़ाया है, उनको समर्पित जो किया है, वो आप वहां भी छोड़ सकते हैं या भोग स्वरूप अपने घर लाकर सब लोग आपस में ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं खाएगा, कोई कहेगा क्या दे रहे, वैसे तो प्रसाद है, कोई भी कुछ नहीं कहेगा, दे सकते हो, खिला सकते हो, नहीं खिला सकते हो तो वही रहेगा, पुजारी जी यूज कर लेंगे। तो इस तरह का कुछ भी है, ये दोनों में से जो भी उपाय है करें तो निश्चित फल की प्राप्ति हो। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करते हुए वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम हनु हनुमंते नमः या जय वीर बजरंग बली लिखना, जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ईश्वर आपकी मदद।